नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल, जहां हम उठाते हैं गुनाह की उन खबरों को जो सीधे आपसे जुड़ी होती हैं, जो आपके हित से जुड़ी होती हैं। हम गुनाह की खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आप बचे रह सके, सुरक्षित रह सके। हमने कई बार ऐसी खबरें भी दिखाई जिनका असर हुआ और जिस पर कार्रवाई भी हुई। हम आगे भी आपकी आवाज उठाते रहेंगे, जन सरोकार की बातें आपके सामने लाते रहेंगे। शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल, जहां होती है आपके हक की बात। हमने सोमवार को आपको एक खबर दिखाई थी, आरटीआई कार्यकर्ता सुनील पांडे की हत्या की खबर। सुनील पांडे ने झारखंड पुलिस पर नक्सलियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया था और इस मामले में खुद के जुटाए सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है। सुनील पांडे ने अपनी मौत से पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और फिर 8 दिसंबर को सुनील पांडे की हत्या कर दी जाती है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में पूछा है कि क्यों ना इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। यदि किसी की हत्या हो जाती है जो पिटिशनर है, इसका मतलब कि मनोबल कितना ऊंचा है माफिया लोगों का कि वो किसी की हत्या करा सकते हैं। तो ये दोनों मामले को रखा गया फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में, और उस समय माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों को, पिटिशनर को, ये बताना है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी है कि उनका मर्डर हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं है एज ए पिटिशनर। तो इसकी सुनवाई अब फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में होगी 2016 में। सीबीआई को कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच तो सीबीआई ही करेगी। इतना हम लोगों को आशा है कि माननीय न्यायालय इसकी जांच कराएगी। हमने आपको 22 अप्रैल 2015 को गुमला से खबर दिखाई थी, याद है या भूल गए? चलिए हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। खबर यह थी कि गुमला जिले में प्रशासन ने जनता दरबार लगाया था, जहां गांव वालों ने शिकायत की थी कि उनके बच्चों को नक्सली उठाकर अपने साथ ले गए हैं, उनके बच्चों को छुड़ाया जाए। हमने 22 अप्रैल को पुरवैया क्राइम स्पेशल में इस मामले को दिखाया था। अगले दिन यह खबर अखबारों में भी छपी थी और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हाईकोर्ट मामले पर संज्ञान लेता है। अब कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई है और सभी बच्चों को अभी तक बरामद नहीं कर पाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संज्ञान लिया था पूर्व में कि बच्चे जो है नक्सलियों के द्वारा गायब कर दिए जाते हैं, वो अपना पर्पस के लिए उनको यूज़ किया जाता है। उसी के संदर्भ में पूर्व में भी माननीय न्यायालय ने बहुत हेविली गवर्नमेंट के खिलाफ टिप्पणी की थी। आज भी गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी टिप्पणी, स्ट्रांग टिप्पणी माननीय न्यायालय ने किया है, चूँकि आउट ऑफ 25 और 8 जो है बच्चे, 8 बच्चे रिकवर हुए अभी तक। उसका लेके कोर्ट ने कहा कि जब आपसे नहीं होता है तो आप अपना जो है सरेंडर कर दो गवर्नमेंट के पास, अपने जो जो वर्दी वगैरह है, और इन केस यदि आप नहीं कर पाएंगे तो ये तो भाई लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल कर गया गवर्नमेंट। और अब हम आपको दिखाते हैं वो खबर जो हमने आपको 22 अप्रैल को दिखाई थी। इसी खबर के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। नक्सलियों के निशाने पर नौनिहाल, लाल कैद में बचपन, क्या है नक्सलियों का नया प्लान, क्यों बच्चे हैं नक्सलियों के निशाने पर? नक्सली अब नए प्लान में जुट गए हैं। उनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। अगर उनका प्लान सफल हो जाता है तो फिर ये एक बड़ी तबाही बन जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके खतरनाक मंसूबों के बारे में। ये झारखंड का गुमला ज़िला है। पहले हम आपको इस गांव के 7 गांवों के नाम बताते हैं। ये गांव खास हैं: कुमारी, सिमरकारचा, निरासी, हरैया, जोराहा, कारचा और हपाक। इन 7 गांवों से बच्चे गायब हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन 7 गांवों से 35 बच्चे गायब हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कहां गायब हो गए। दरअसल ये बच्चे नक्सलियों के नापाक मंसूबों का निशाना बने हैं। 35 बच्चों को नक्सली अपने साथ ले गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है।
ये समस्या विकराल है, हम इस समस्या से वाकिफ हैं और हमारा जो प्रयास है वो इस समस्या को बेसिकली कंट्रोल करने की दिशा में है। और ये पिकेट जो हमने खोला है उसका जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो बेसिकली नक्सलवाद से जो युवा जुड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने की दिशा में है। और ये आपकी सूचना सच भी है, लेकिन जब तक लोग हमसे कंप्लेन ना करें बेसिकली इस तरह की सूचनाओं का सत्यापन नहीं हो पाता है। सूचनाएं हमें मिल रही हैं और जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसको हम वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। 7 गांवों से गायब बच्चों में से सिर्फ कारचा गांव से 5 नाबालिग बच्चियों को ले जाया गया है। हालांकि इनमें से किसी भी बच्चे के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है। देखिए, पिछले साल भी इस तरह की बात चली थी और हम इस समस्या से रूबरू हैं। वाकई में कुछ बच्चे जो है वो नक्सलियों के पास हैं, और लेकिन ऑफिशियल कंप्लेन इसके बारे में हमें नहीं मिली है अभी तक। दरअसल नक्सली इन बच्चों को अपने दस्ते में शामिल करना चाहते हैं, वो अलग से बाल दस्ता तैयार करने में जुटे हैं। नक्सलियों की ये साजिश अगर सफल हो जाती है तो एक नई और ख़तरनाक चुनौती हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, लिहाजा इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाना बेहद ज़रूरी है। ये बातों को पुलिस विभाग अपने स्तर से गोपनीय ढंग से जांच पड़ताल कार्रवाई कर रहा है। बच्चे गए हैं तो किस घर के गए हैं, सही सही सूचना भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने इससे पूर्व भी आकर के कई गांव में आकर के मैंने खुद कुछ लोगों से पूछा था कि भाई किस किस घर के बच्चे लोगों को ले गया है, तो बहुत लोग भय से भी नहीं बताते हैं। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस विश्वास एक उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि बच्चे अपने जब विकास होने लगेगा तो बच्चे खुद ब खुद वापस चले जाएँ। नक्सली दिन रात अपना विस्तार करने में जुटे हैं, वो हर हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश काफ़ी ख़तरनाक है। बच्चों को इस दलदल में खींचना कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। ज़रूरत है नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनके नापाक मंसूबे कामयाब ना हो सके। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। और अब रुख करते हैं गुनाह की अगली खबर की ओर। शादी में बारातियों पर कहर टूट पड़ता है, बाराती घायल हो जाते हैं, लूटपाट भी होती है और फिर आरोप है कि पीड़ित दूल्हे पर पुलिस दबाव भी डालती है। क्या है पूरा मामला आप भी देखिए। पटना सिटी में शादी समारोह था, लोग शादी में मशगूल थे, नाच गा रहे थे, तब बारातियों को मालूम नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। आगे होने वाली घटना के बारे में ना तो बारातियों का अंदाजा था और ना ही दूल्हे को। सभी आराम से मजे में शादी के जश्न को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर शादी की खुशियां डर और चोट में बदल गई। बारात को लड़की के घर के पास ले गए और इतने ही देर में उधर से कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे और धीरे धीरे बारात में शामिल हो गए यहाँ पे, और हम लोग को हम पता नहीं चला कि कौन किसको मारा। उसके बाद फिर हम लोग देखते ही देखते हम लोग के ऊपर पड़ गया, जबकि हम लोग कुछ देखिए भी नहीं। हम लोग बारात में शामिल थे, सारा कुछ रिसेप्शन हो रहा, खाने पीने की तैयारी सारी कुछ चल रही थी। अब बताइए हमारे सब भाई लोग को मारा, ये सब कपार से अंदरूनी चोट है, इनका सर फूटा हुआ है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पटना सिटी के खाजे कला थाना इलाके का मामला है। दीवान मोहल्ले के नौजर घाट में सतीश की बारात आई थी। बारात में सभी लोग मशगूल थे, लेकिन तभी इलाके के कुछ कथित दबंग वहां पहुंच जाते हैं। और फिर बारात का पूरा माहौल ही बदल जाता है। आरोप है कि स्थानीय लोग मारपीट करने लगते हैं और फिर ये मारपीट बढ़ती ही जाती है। आरोपों के मुताबिक स्थानीय लोग मारपीट करने के साथ ही लूटपाट भी करने लगते हैं। इस मारपीट में लड़के की तरफ से 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हम तो जयमाला होने के बाद चेयर पे बैठे हुए थे, हम लोग दोस्तों में हंसी मजाक चल रहे थे, बस उधर से हल्ला होने लगा। देखे कि मेरे भाई को सब कुर्सी से पीट रहा है, तो हम उसमें कूदे, तो फिर हमको भी पीछे 2-3 कुर्सी पड़ा, फिर हमको पकड़ कर उसी साइड में बिठा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ बाहर, बहुत शोर हुआ, ये हुआ, सबका पता चला, सिर पर हाथ पटा, तो फिर मेरा भी तो दिमाग काम नहीं करा। मारपीट के साथ ही आरोपों के मुताबिक लूटपाट भी की जाती है।
दुल्हन के लिए लाए गए गहने और कपड़े लूट लिए जाते हैं और फिर बिना गहनों के ही शादी पूरी होती है। लड़की का जो गहना था, कपड़े थे, वो पूरे बैग उठा कर ले गए तो गाड़ी से। कितना सामान आपका गायब हो गया होगा? पूरे बैग में लगभग 10-15 साड़ियाँ थी और 1.5-2 लाख के गहने थे। मरवे में मैंने रो रो कर शादी की है, घर में मम्मी हॉस्पिटल में भरती है, भाई हॉस्पिटल में भरता है, मैं रो रो कर शादी किया हूँ। पूरे मरवे में बैठ कर सिंदूर भी रो कर दे रहा था। मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है, लेकिन लोगों का आरोप है कि जानकारी दिए जाने के करीब 45 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। इतना ही नहीं, दूल्हे सतीश का आरोप है कि उसके ऊपर पुलिस ने दबाव भी डाला। प्रशासन ने बस मैंने दबाव डाला कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, जब तक तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, अपनी माँ को नहीं देख लूंगा, भाई को नहीं देख लूंगा। प्रशासन ने बोला नहीं, तुम्हें शादी करके यहाँ जाना है। प्रशासन ने मुझ पर दबाव डाला। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई? पुलिस कुछ करवाने कर, वो उन्होंने बोल दिया है कि ये शादी में होता रहता है, तो ये मैटर को बस खाना पूर्ति करके प्रशासन चले गई। फिलहाल इस मामले को थाने में दर्ज करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोग ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दावा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मारपीट की घटना घटी है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। दोषी है। दावों से आगे बढ़कर पुलिस को काम करना होगा। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक पुलिस पर सवाल उठते रहेंगे। इलाके में ऐसी घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी कई प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। बीच बारात में मारपीट और लूटपाट अपराधियों के बढ़े मनोबल को ही दिखाता है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। कटिहार में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसे 8 बार चाकू मारे जाते हैं, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसे मारा जाता है। कटिहार में बुधवार की सर्द सुबह थी, लेकिन कटिहार की फिजा धीरे धीरे गर्मा रही थी। लोग सड़क पर उतर चुके थे, टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लोगों की भीड़ घरों के बाहर इकट्ठा थी और लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि कटिहार को किसकी नज़र लग गई, यहाँ की फिजा क्यों बदलने लगी है। जिला प्रशासन से कि अविलंब अपराधियों का गिरफ्तारी हो। जो हमारा कटिहार एक अमन चमन का रहा है, ये समाज हमारा अमन चमन का रहा है, जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये विश्वास नहीं उठेगा, यहाँ पर जनता को विश्वास नहीं बनेगा। इन सब के बीच एक परिवार अपने घर के इकलौते वारिस की लाश के पास आंसू बहा रहा था। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने उनके घर का चिराग बुझा दिया। कैसे तड़के सुबह ही लक्ष्मण पोद्दार को उनके पड़ोसी जानकारी देते हैं कि उनका बेटा घर के बाहर गली में गिरा पड़ा है, वो जख्मी है। ये सुनते ही घर के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। वो बाहर निकलकर देखते हैं, अशोक पोद्दार घायल हालत में गिरा पड़ा था। आनन फानन में उसे उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल जाते समय रास्ते में ही अशोक पोद्दार की मौत हो जाती है। कि आपका लड़का प्रकृति के चौक पर बेहोश पड़ा हुआ है, एक पड़ोसी उसी जगह का आके खबर दिया, तभी हम लोग घर से जाके वहाँ देखने गए। वहाँ जाके देखे तो बदहवास में था, उसके पेट में से खून बह रहा था, चाकू का निशान देखे तो हम लोग रिक्शा बुलाए, उस पर तुरंत उसको चढ़ा के सरकारी हॉस्पिटल लाए। कितना निशान था? 8 निशान था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ डॉक्टर साहब देखे, उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक अशोक पोद्दार की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड को तब अंजाम दिया जाता है जब अशोक बगल में ही हो रही एक शादी से लौट रहा था। मिल रही जानकारी के मुताबिक घर लौटते समय रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड से आसपास के लोग गुस्से में आ जाते हैं।
वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं, आगजनी भी करते हैं। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस इस हत्याकांड के पीछे लूट की घटना से इनकार करती है। पुलिस की माने तो इसके पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है। प्योर हत्या का मामला है, कोई लूटपाट का मामला नहीं है। वो मृतक अशोक पद्दार बारात से भोज खाकर लौट रहा था अधी रात को, तो रास्ते में फकीर तकिया के नज़दीक कई चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए वक्त में रास्ते में अभी तक इसमें इस एक एंगल से देखा जा रहा है कि कुछ बात प्रकाश में आई है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। अपराधी की पहचान कर ली गई है और एक दिन में इसका गिरफ्तारी हो जाएगा और खुलासा भी हो जाएगा। अब पुलिस इस हत्याकांड के हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि हत्यारे जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन अशोक पद्दार की हत्या ने इलाके के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद गुनाह एक नजर में। ब्रेक के बाद स्वागत है। मुंबई से भागकर वो दोनों बिहार पहुंचने वाले थे, लेकिन उन पर पुलिस नजर थी। क्या है ये मुंबई से बिहार तक का मामला, आप भी देखिए। हाथों में हथकड़ी लगे इन दोनों की कहानी मुंबई से लेकर पटना तक जुड़ी है। पटना और बक्सर रेल पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो मुंबई से भागकर बिहार पहुंचे थे। तब इन दोनों को पता भी नहीं था कि इन पर नजर है और इनके गुनाह छिप नहीं सकते। पटना रेल एसपी की मेज पर रखे हुए चमचमाते जेवरात हीरे के हैं। इन जेवरातों को ये दोनों मुंबई से लेकर भागे थे। इन जेवरातों के अलावा इनके साथ चोरी के कैश भी थे। इससे पहले कि ये दोनों जेवरात और पैसे लेकर अपने घर पहुंचते, रेलवे पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। गोरेगांव थाना में एक चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई और चोरी की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यहाँ पर डीआईजी रेल को एक व्यक्ति ने सूचित किया कि कुर्ला राजेंद्र नगर एक्सप्रेस जो सुपरफास्ट ट्रेन है उससे दो ऐसे चोर जो घर में काम करते हैं सामान लाखों के जेवरात और नकदी लेकर भाग रहे हैं। सूचना इतनी आई थी। इस सूचना को धीरे धीरे डेवलप किया गया, ट्रैकिंग की गई, जो टीम बनी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हथकड़ी लगे ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों मुंबई के एक व्यवसायी प्रकाश सिंघी के घर काम करते थे। प्रकाश सिंघी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी के पैसे और गहने घर में रखे हुए थे। घर के लोग एक दिन अपने घर से बाहर गए थे, तभी मौका मिलते ही इन दोनों ने गहने और पैसों पर अपना हाथ साफ कर दिया। घटना घर में से लड़का भैया भाभी और सब गए थे बाहर को पार्टी में, लड़का अकेला था, वो निकाल के ले गया। जब रात को आए तो कोई ध्यान नहीं दिया, सो गए। सुबह देखा तो सामान नहीं था, फिर सारी कार्रवाई करी। फिर मोबाइल उसने बंद कर रखा था, जब मोबाइल ऑन हुआ तो मोबाइल ट्रैक किया, और बाद में जब ट्रैक किया तो उसे आपसे आगे कार्रवाई करी। मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत गजब का सारा ने काम किया। अगर सहयोग नहीं होता तो पकड़े नहीं जाते। पीड़ित प्रकाश सिंह लगातार इस बारे में छानबीन करते रहे, अपने जानने वालों को इस बारे में बताया और व्हाट्सएप के जरिए इन दोनों की तस्वीर भी सभी को भेज दी। उधर पुलिस भी हरकत में थी, बक्सर से ही इन दोनों के ऊपर नजर रखी जा रही थी। पटना पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बक्सर से ही ये पुलिस की निगाह में थे। इनके पहचानने वाले जो वादी पक्ष के लोग थे वो भी प्रॉम्प्ट थे, उन्होंने कई तकनीकी साधनों से हम लोगों को सूचना दी। फिर उनके परिचित को हम लोगों ने, जो उन्हें पहचानते थे, उन्हें भी बुलाया।
और पूरी घटना को मॉनिटरिंग करते हुए, नेतृत्व करते हुए हमारे पदाधिकारी और हम लोग लगातार पूरी रात इन पर नज़र रखे, और सारे सामानों के साथ जिसमें कि हीरे के जवाहरात हैं, 5 तो हीरे की अंगूठियां हैं, नेकलेस है हीरे का, घड़ी है, मोबाइल फ़ोन है 3-3, और 2,45,000 के करीब, 20 रुपया कम, कैश है, इन सब चीज़ों के साथ इन्हें रंगे हाथ पटना जंक्शन पर आते ही उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की सक्रियता ने लूट के एक मामले को महज 24 घंटे के भीतर ही सुलझा दिया। अगर पुलिस ऐसे ही चौकन्नी रही तो फिर बढ़ते अपराध पर काबू पाने में देर नहीं लगेगी। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब बात करते हैं गुनाह की बड़ी खबरों के बारे में। शुरू करते हैं गुनाह एक नजर में। पहली खबर पटना से है। पटना साहिब स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार एक दंपत्ति का पर्स गायब हो जाता है। यात्रियों ने चोरी के आरोप में एक महिला को स्टेशन पर उतार लिया और फिर कथित महिला चोर के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। मौके पर पहुंची पटना साहिब जीआरपी ने किसी तरह महिला की जान बचाई और उसे हिरासत में ले लिया। इस मामले में कथित महिला चोर ने खुद को निर्दोष बताया है। अगली खबर पलामू से है, जहां पुलिस ने हथियारों के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 कार्बाइन, 4 पिस्टल, 1 राइफल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पांकी थाना इलाके से की गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों में से 1 सोनू खान आर्म्स सप्लायर है, जबकि दूसरा अपराधी सोनू सिंह गिरोह के लिए काम करता है। बोकारो में 1,80,000 रुपए की लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। सेक्टर 4 थाना इलाके के पत्थरकट्टा चौक का यह मामला है। उदय कुमार बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था, तभी पुलिस की वर्दी में आए 2 लुटेरों ने दस्तावेज और हेलमेट चेकिंग के नाम पर गाड़ी रुकवाई और फिर इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जुर्म की दुनिया से आपको बचाना हमारा मकसद है। गुनाह की खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, जहां होगी तो गुनाह की दुनिया की बातें। ताकि आप सावधान रहें, आप देखते रहिए जी पुरवैया, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।